हेलो फ्रेंड्स, मैं ओम प्रकाश कुमार, आपका चैनल ओम प्रकाश पीओपी में स्वागत है। फ्रेंड्स, आज का आपका टॉपिक है इकाई अंक निकालना, यूनिट डिजिट। फ्रेंड्स, यूनिट डिजिट दो प्रकार का होता है, एक होता है सरलीकरण सिंप्लीफिकेशन के रूप में और दूसरा होता है घातांकी यानी पावर के रूप में। सिंप्लीफिकेशन कहने का मतलब, एग्जाम्पल आपको देखिए, 576 गुने इतना 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 रहेगा, और घातांकी के मतलब इतना का पावर इतना रहेगा। यूनिट डिजिट निकालना है, ठीक ना फ्रेंड्स, यूनिट डिजिट। फ्रेंड्स, इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, ठीक। अगर आपको अच्छा लगेगा ना, खूब अच्छा लगेगा, तब वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक ना फ्रेंड्स। लेकिन वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए हम आपको बताते हैं आगे, ठीक। यूनिट डिजिट हम निकालने के लिए बताते हैं, पहला है आपका सरलीकरण। सरलीकरण पहले बताते हैं, सरलीकरण देखिए, यूनिट डिजिट निकालना है, जैसे इकाई अंक निकालना है। यूनिट डिजिट कहने का मतलब इकाई अंक, इतना गुने इतना 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 का यूनिट डिजिट, यानी कि इकाई अंक। हम लोग बचपन में, आप लोग भी पढ़े होंगे, हम लोग भी पढ़े हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, दस हजार, लाख, दस लाख, ये सब पढ़े हैं। उसी प्रकार से बोल रहा है कि इतना से गुना करेंगे ना, जो सबसे मैंने जो यूनिट यानी इकाई अंक आएगा वो क्या आएगा वही पूछ रहा है, यानी इतना का गुना करेंगे तो यूनिट डिजिट क्या आएगा वही पूछ रहा है। जैसे मान लीजिए इकाई अंक, तो यानी कि छः से गुना हम पहले करेंगे इस एक में, छः कम छः, ठीक, छः कम छः, तो यूनिट डिजिट आपका कितना है जी, छः आया, ठीक, छः आया। फिर इस छः से इस नाइन वाला में करेंगे, ठीक, इसका यूनिट डिजिट कौन है जी, इसका आठ है, इसका इकाई अंक आठ है। इकाई, दहाई, दहाई है तब ना, दहाई कहने का मतलब इकाई, इकाई आठ है, दहाई दस, दहाई दस, तो दस अभी दू गो है, तो दस दुनिया के बीस अब आठ, अट्ठाईस, ऐसे हुआ। फ्रेंड्स देखिए, जिससे मान लीजिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, तो इसका इकाई अंक नौ, इसका इकाई अंक एक, इसका इकाई अंक छः। तो आपको क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है कि इतना गुने इतना गुने इतना इतना का इकाई अंक क्या होगा, ठीक ना, सरलीकरण है, ठीक। तो इतना इतना का इकाई अंक क्या होगा, तो इकाई अंक जब पूछे रहा है तो हम क्या करेंगे कि इकाई अंक से ही इकाई अंक को गुना करेंगे, तो आपका इकाई अंक निकल जाएगा। जैसे देखिए, छः से गुना हम किए वन में, छः कम छः, ठीक, तो आपका इकाई अंक छः ही आया। छः से गुना करेंगे नौ में, नौ छः चौवन, चौवन आया ना जी, तो चौवन में आपका इकाई अंक कितना है, चार, कहा कि इकाई फिर उसके बाद दहाई, इकाई फिर उसके बाद दहाई, तो इकाई अंक हमको पूछ रहा है, तो आपका इकाई अंक कितना हुआ, चार। अब इस चार को फिर आठ से गुना करेंगे, ठीक, इकाई अंक में नहीं गुना करेंगे, इकाई अंक में गुना करेंगे, तो इकाई अंक से गुना इकाई अंक में करेंगे, तो चार अट्ठे बत्तीस, बत्तीस आया। आपका इकाई अंक कितना है, इकाई अंक दहाई नहीं पूछ रहा है, इकाई अंक पूछ रहा है, तो इकाई अंक आपका क्या हो जाएगा, तो दो। आपका इकाई आंसर कितना हो जाएगा, दो। फ्रेंड्स देखिए, इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा तो आप ऐसे ही गुना कीजिए। जैसे देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए हम बताते हैं, ठीक ना फ्रेंड्स, देखिएगा क्वेश्चन, देखिएगा ध्यान से, इसको नोट कर लीजिएगा। देखिए, मान लीजिए कितनों रहे, कितनों गुना रहे, गुना रहे, जोड़ रहे, घटा रहे, कुछ का किसी का इकाई अंक बोलेगा वैसे निकाले। जैसे मान लीजिए 443 गुने 232 गुने 543 गुने आठ का इकाई अंक निकालने के लिए बोल रहा है, इतना का इकाई अंक निकालने के लिए बोल रहा है। दूसरा क्वेश्चन है, तो हम पहले सरलीकरण बता रहे हैं, फिर उसके बाद घातांकी बताएंगे, पावर वाला बताएंगे। जैसे देखिए, इसका इकाई अंक निकालना है तो क्या करेंगे फ्रेंड्स, पहले देखिए इसका इकाई अंक क्या है, 343 का इकाई अंक तीन है, 232 का इकाई अंक दो है, और 43 का तीन है, और आठ का ही तो इकाई अंक है। पहले इकाई हम क्या बताया फ्रेंड्स, इकाई अंक से इकाई अंक को गुना करेंगे, यानी कि तीन से गुना दो में करेंगे, तीन दुना के छः, इकाई अंक आपका कितना है, छः ही, ठीक। छः से आप गुना करेंगे तीन में, छतरी अठारह, अठारह के आठ, इकाई अंक आपका आठ है, ठीक, दहाई नहीं, इकाई अंक आपका आठ है। फिर आठ से गुना करेंगे, आठ अठाई चौंसठ, चौंसठ आपका इकाई अंक, देखिए चौंसठ लिखते हैं ना, चौंसठ, तो आपका इकाई अंक कितना हुआ, चार, चार आपका हो गया आंसर, ठीक। फ्रेंड्स देखिए, और आगे हम बताते हैं, जैसे कोई भी अंक कितनों बोलिए, जिससे मान लीजिए, जिसे देखिए फ्रेंड्स, ठीक ना, इकाई अंक निकालना है। अभी देखिए फ्रेंड्स, देखिए ध्यान से, चार से गुना करेंगे तीन में, इकाई अंक में, ये इकाई अंक से गुना इकाई अंक में करेंगे, इकाई अंक से गुना इकाई अंक में, तो चार तिहाई बारह, बारह है हुआ, तो आपका इकाई अंक कितना है, दो है। अब इस दो से गुना करेंगे तीन में, तीन दुना के छ, आपका इकाई अंक कितना आया, छः आया, ठीक। और छः और चार को देखिए, अब यहाँ तक गुना था, अब छोड़ दिए, गुना कर दिए, अब यहाँ आगे बोल रहा है प्लस का चिन्ह जोड़, अगर घटाव अगर चिन्ह रहेगा तो घटा देते, छः में से इतना में से घटा देते, ठीक ना, इकाई अंक को, ठीक। अब जिसे देखिए, छः छः है, अब इसके बाद एक का प्लस का चिन्ह है, तो जोड़ेंगे छः चार
दस, इसको क्या करेंगे जोड़ देंगे, जोड़ेंगे ना ठीक। तो छह चार दस, तो दस आपका इकाई अंक कितना है जी, इकाई दहाई, आपका इकाई अंक आ गया जीरो, आपका हो गया आंसर जीरो हो गया आंसर। जिसे देखिए और फ्रेंड्स देखिए, इस सरलीकरण के रूप में रहेगा था, जिसे मान लीजिए फ्रेंड्स देखिए इसको, अब इसको देखिए बोल रहा है 38 अष्टार गुणे 723 15 जीरो 321 का इकाई अंक 8 दिया हुआ है। अब देखिए पहले इकाई अंक निकालना था, अब इसको मैं बोल रहा है कि इतना गुणे इतना 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 का इकाई अंक आपको दिया है, तो इसका बोल रहा है कि यहाँ कौन सा ऐसा मान आ गया यहाँ पे, यानी कि स्टार का चिन्ह यहाँ मतलब कितना अंक हो सकता है, इकाई अंक आपको 8 दे दिया। जैसे इसको हम क्या करेंगे गुना, देखिए कहते हैं 3 से गुना करेंगे 6 में 36 18 छतरी 18 के 8 इकाई अंक आपका कितना हुआ 8, 8 से गुना करेंगे 1 में 8 एकम 8 इकाई अंक आपका 8 आ गया। आप मान लीजिए अब बोल रहा है कि ऑप्शन में से बताइए कि कौन सा इस ऑप्शन को फॉलो कर रहा है, ठीक ना, कौन सा अंक जो है ऑप्शन को फॉलो कर रहा है, यानी इकाई अंक आपका 8 आ गया। अब बताइए यहाँ कौन सा अंक रखेंगे, तो 8 से अगर गुना करेंगे 1 में तो 8 एकम 8 इकाई अंक यहाँ 8 हो सकता है ठीक, एगो एक होगा, दूसरा का 8 दुना 16 ये नहीं हो सकता है ठीक, ताकि 6 आ जा रहा है 8 6 48 यानी कि 1 और 6 आपका हो जाएगा आंसर, इकाई अंक आपका 1 और 6 ठीक है। फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो में, ये आपका पार्ट 1 है ठीक ना, ये आपका वीडियो का पार्ट 1 है, अगला हम बताएंगे आपको पार्ट 2 ठीक, सरली सिंपली सरलीकरण जो सिंप्लीफिकेशन का है वीडियो, अगला हम डालेंगे पावर घटाएंगे, सब्सक्राइब करिए फ्रेंड्स, बहुत मेहनत से वीडियो बनता है ठीक ना फ्रेंड्स, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।